आज पापा इतना लेट कैसे हो गए? अरे बेटा, आप किसकी वेट कर रहे हो यहाँ पे? अपने पापा की। मेरे को आपके पापा ने आपको लेने के लिए भेजा है। मैं उनका फ्रेंड हूँ, आप जल्दी गाड़ी में आओ, बैठो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। पर पापा ने तो कहा था कि वो ही मुझे पिक करने आएंगे। बेटा, वो ऑफिस में बहुत बिजी हो गए, उनको ऑफिस में बहुत काम था और उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। आओ फटाफट गाड़ी में बैठो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अंकल, मैं आपको जानती नहीं और ऐसे मुझे अलाउड नहीं है किसी स्ट्रेंजर के साथ कहीं पर भी जाना। अरे बेटा, मैं कोई स्ट्रेंजर थोड़ी हूँ, मैं तो आपके पापा का फ्रेंड हूँ और मैं तो आपको जानता हूँ ना। आओ फटाफट गाड़ी में बैठो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आपकी मम्मा वेट कर रही है। ओके अंकल। आओ बेटा, फटाफट आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर। शाबाश। बेटा, मैंने अपना और मम्मी का नंबर इस डायरी में लिख दिया, आप इसको याद करें। बट क्यों पापा? मेरी बेटी इसलिए है कि गॉड फॉरबिड अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है या आप कहीं पे घूम जाते हो तो आप किसी की हेल्प लेके उनसे फोन मांग के हमें फोन कर सकते हो, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो ताकि हम आपको ढूंढ पाए। एंड ऑल्सो बेटा, अगर कोई अननोन बंदा आपके पास आता है और बोलता है कि मम्मी पापा को जानता है और हमने आपको भेजा आपको पिक करने के लिए स्कूल या ट्यूशन से, तो आप इधर गार्ड रूम से या कोई आसपास की शॉप से हमें कॉन्टैक्ट करके कंफर्म कर सकते हो कि हमने उस इंसान को भेजा है कि नहीं भेजा। दिस फॉर योर सेफ्टी बेटा। ओके पापा। एक मिनट अंकल। क्या हो बेटा, हमें देर हो रहा है, फटाफट गाड़ी में बैठो। एक मिनट रुको अंकल। मुक्ति मैम। सीरत? अरे सीरत, आप अभी तक यहीं हो? आपके पापा लेने नहीं आए अभी तक? मैम, ये अंकल मुझे लेने आए हैं और कह रहे हैं कि पापा ने भेजा है, तो मुझे पापा से कंफर्म करने के लिए आपका फोन चाहिए। अरे बेटा, क्या बात कर रहे हो? मैं इसके पापा का फ्रेंड ही हूँ, उनका कलीग भी हूँ और इसके पापा ने मुझे इसको लेने के लिए भेजा घर पर ड्रॉप करने के लिए। बेटा आप जल्दी आओ, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। सर एक मिनट, पर बेटा मेरे पास आपके पापा का नंबर है नहीं। इट्स ओके मैम, मेरे को अपने पापा का नंबर याद है। ये लो। हेलो पापा। सीरत, आपने किसी को भेजा है मुझे लेने के लिए? अरे अरे, वो तो चला गया। सीरत, मैंने किसी को नहीं भेजा, कौन आया था? एक अंकल आए थे मुझे पिक करने के लिए, कह रहे थे आपके फ्रेंड है। बेटा मैंने किसी को नहीं भेजा और मैं 2 मिनट्स में आ रहा हूँ, और जब तक मैं नहीं आता ना आप स्कूल में वेट करो मेरी। ओके पापा। थैंक यू मैम। यू वेलकम। बेटा जब तक आपके पापा नहीं आ रहे ना, तब तक हम स्कूल के अंदर ही वेट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में कोई भी बच्चा आ सकता है और ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को इस सिचुएशन के लिए रेडी रखें। जब आपके बच्चे 4 या 5 साल के हो जाए तो प्रायोरिटी पे उनको अपना फोन नंबर याद करवा दीजिए। एंड देयर आर मेनी वेज जिससे आपके बच्चे आपका फोन नंबर इजीली याद कर सकते हैं, जैसे कि उनकी फेवरेट राइम म्यूजिक में अपना फोन नंबर गा दीजिए या फिर उनकी फेवरेट गेम में अपना फोन नंबर इंक्लूड कर दीजिए एंड मेनी मोर। बट आई थिंक आजकल के बच्चों के हिसाब से जो इजीएस्ट वे है जिससे उनको फोन नंबर याद रहेगा वो है कि आप अपने फोन के पासवर्ड को ही अपना फोन नंबर बना दीजिए। आई विल टेल यू बच्चों को लिए कैसे फायदेमंद है। आपको तो पता ही आजकल के बच्चे कितने टैक्स आदि हो गए और उनको अपने पेरेंट्स का फोन का पासवर्ड तो याद होता ही है, तो अगर आपका फोन का पासवर्ड आपका फोन नंबर होगा तो बच्चे कभी भी आपका फोन नंबर नहीं भूलेंगे। अब मैं बताऊंगा कि अपना करंट पासवर्ड आप कैसे चेंज कर सकते हैं। जो आईफोन यूजर्स हैं वो सेटिंग्स में जाके चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके ऑप्शंस का बटन आता है उस पर क्लिक करिए और कस्टम न्यूमेरिक कोड पे क्लिक करके आप अपना फोन नंबर डाल दीजिए एज अ पासवर्ड। और एंड्रॉयड यूजर्स सेटिंग्स में जाकर डिवाइस सिक्योरिटी में स्क्रीन लॉक में पासवर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करके अपना फोन नंबर डाल सकते हैं, तो आपके बच्चों को आपका फोन अनलॉक करने के लिए आपका फोन नंबर याद करना ही पड़ेगा। देखिए, चाहे आप ये ट्रिक यूज करें या दूसरी ट्रिक यूज करें, बट मेक श्योर कि आपके बच्चे आपका फोन नंबर जरूर याद करें, बिकॉज देयर सेफ्टी इज इन योर हैंड्स। सो ऑलवेज बी अवेयर। सी यू नेक्स्ट वीक।